हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चैप्टर एनिमल किंगडम से पूछे गए प्रश्न जो 2013 से 17 तक पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों के बारे में। 2017 में यहां से लगभग तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। The first question, an important characteristics that hemichordates share with the chordates. वो कौन सा करेक्टर है जो हेमिकॉर्डेट ने कॉर्डेट के साथ शेयर किया या हेमिकॉर्डेटा? तो मैंने आपको बताया था हेमिकॉर्डेटा बिलोंग्स टू द नॉन कॉर्डेट बिकॉज आउट ऑफ द फाइव करेक्टर हेमिकॉर्डेट केवल दो करेक्टर कॉर्डेटा के बेसिक करेक्टर से मैच कर पाता है और इसके तीन करेक्टर नॉन कॉर्डेट से मैच करते हैं, इसलिए हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, तो ये कॉर्डेटा का करेक्टर नहीं है। कॉर्डेटा में डार्सल हॉलो नर्व कॉर्ड मिलते हैं, तो कॉर्डेटा से मैच करना है हेमिकॉर्डेटा को, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका नॉन कॉर्डेट का करेक्टर है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेटा का करेक्टर है, तो फेरेंजियल गिल स्लिट हेमिकॉर्डेट्स में भी मिलते हैं। तीसरा है फेरेंक्स विदाउट गिल स्लिट्स बट हेमिकॉर्डेट्स हैव दैट। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, हेमिकॉर्डेट में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। नोटोकॉर्ड कहने का एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इट मींस नोटोकॉर्ड एब्सेंट, बट कॉर्डेट्स हैव द नोटोकॉर्ड इन देयर लाइफ, कभी ना कभी उनकी लाइफ में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होगा। तो यहाँ पे केवल यही एक ऑप्शन दिख रहा है जो कि सही हो सकता है, फेरिंक्स विद गिल स्लिट्स, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर टू, विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल एक्वाटिक मैमल्स, डॉल्फिन सील ट्राइगम वेल डॉल्फिन सील ट्राइगन वेल सील सील डॉल्फिन शार्क। तो यहाँ पे देखिए ट्राइगन इज अ फिश एंड शार्क इज ऑल्सो अ फिश ऑफ कॉन्ट्रैक्टिस, तो जहां जहां ट्राइगन है वो ऑप्शन तो करेक्ट होंगे ही नहीं और शार्क वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो वेल्स डॉल्फिन एंड सील दिस वन इज द करेक्ट आंसर एंड सेकेंड ऑप्शन इज राइट। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ पोरिफेरन्स द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ, स्पॉन्जोसील कैविटी है पोरिफेरा में और वो कैविटी लाइंड होती है फ्लैजेलेटेड सेल्स दैट इज कॉल्ड क्वाइनोसाइट्स। तो मैंने आपको पोरिफेरा में बताया था कि क्वाइनोसाइट्स से लाइंड होती है और वही जो है ऑस्टिया से आने वाले वाटर को सर्कुलेट करती है टूवर्ड्स द ऑस्कुलम, तो क्वाइनोसाइट इज द बेस्ट सुटेबल आंसर। 2016 में दो बार एग्जाम हुए थे, तो फेज टू और फेज वन, तो फेज टू में एक क्वेश्चन पूछा है, अमंग द फॉलोइंग एडिबल फिशेस व्हिच वन इज मैराइन फिश हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस पे क्लेम हुआ होगा, अदरवाइज आपको जानने की जरूरत है। मैक्रिल एक सी फिश है जिसमें 1.8% ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं, तो यहाँ दिए हुए चारों ऑप्शन में से मैक्रिल एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड वर्ल्ड में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड पाइसिस में या फिश में सबसे ज्यादा परसेंटेज मैक्रेल में पाया जाता है। अदर एग्जांपल्स लेक ट्राउट भी है, लेक ट्राउट लेक एल ए के ये फ्रेश वाटर है, एल ए के लेक ट्राउट एक एग्जांपल है इसका, ये फ्रेश वाटर फिश है और इसमें इसके बाद मैक्रेल के बाद इसमें ही सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलता है जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आते हैं। तो आपको पता है ओमेगा 3 फैटी एसिड इज गुड फॉर
रिलीविंग द हाइपरटेंशन और रिड्यूस द फैट फ्रॉम द वेसल्स। तो एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में ओमेगा 3 फैटी एसिड दिया जाता है ताकि जो फैट का डिपोजिशन है वो इसको हटा सके। अनदर एग्जांपल इज सार्डिन्स। सार्डिन्स भी फिशेस हैं जो दैट इज आल्सो अ फ्रेश वाटर फिश सार्डिन्स। तो ये भी आपका फ्रेश वाटर फिश है, ये इसमें भी अच्छा अमाउंट मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2016 मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फॉर हाउसफ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो फैमिली ऑर्डर क्लास ऑफ फाइलम दिया हुआ है, और तो फाइलम कौन सा फाइलम से बिलोंग करेगा? हाउसफ्लाई, तो हाउसफ्लाई आपको पता है कि वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा होगा। तो डी के लिए करेक्ट ऑप्शन 2 है, तो एक ही ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप वैसे भी देख लें कि और क्या हो सकता है। क्लास इसका इंसेक्टा होगा। ऑर्डर, ऑर्डर जो है हम लोग जनरली डायप्टेरा कहते हैं, और फैमिली इसकी म्यूसिडी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 2016 फेज 2 में तीसरा क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल रेप्टाइल्स हैव अ 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऑल पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड गिल कवर्ड बाय एन अपरकुलम। ऑल मैमल्स आर विविपेरस। ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पोजेस जा एंड पेयर्ड फिन्स। तो देखिए, रेप्टाइल्स का पहला ऑप्शन, ऑल रेप्टाइल्स आर 3 चैम्बर्ड, बट रेप्टाइल्स में ही क्रोकोडाइल है और वहीं से 4 चैम्बर्ड हार्ट स्टार्ट होता है। पाइसेस हैव गिल्स कवर्ड, सारे पाइसेस में उनके गिल्स कवर्ड नहीं होते अपरकुलम में, अपरकुलम से। अपरकुलम केवल वहां पाए जाते हैं जहां पे केवल 4 चैम्बर्ड गिल्स मिलते हैं, द ऑस्टियोक्थिस, उसके पहले कॉन्ट्रैक्थिस में जहां पे 6-10 पेयर या उससे पहले भी, तो वहां पे ज्यादा गिल्स थी तो वहां पे अपरकुलम नहीं पाया जा रहा था। अपरकुलम केवल ऑस्टियोक्थिस में यानी बोनी फिशेस में पाया जाता है। ऑल मैमल्स आर विविपेरस, इट इज आल्सो नॉट ट्रू। प्रोटोथीरियंस आर ओविपेरस, एगलिंग मैमल्स। तो ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट पोजेस जा, साइक्लोस्टोम यस उनके पास जाव नहीं होता, वो एग्नेथा के अंदर आते हैं, और ना ही पेयर्ड फिन्स होते हैं, अगर पेयर्ड फिन्स होता तो वो पाइसेस में रखे जाते। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। इन मेल कॉकरोच स्पर्म आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन एनिमल किंगडम से कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि अभी तो कॉकरोच को हटा दिया गया है कोर्स से, बट स्टिल सीबीएसई इससे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको देखना जरूरी है कि हम लोग स्ट्रक्चरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आगे चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, उसमें कॉकरोच को देखा जाए। तो इन मेल कॉकरोच स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो ये सही ऑप्शन है। 2015 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो पैरासाइट ऑफ ह्यूमंस डज सो विविपेरिटी। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर भी सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सीबीएसई हर बार ऐसा करता है कि उसके 10% क्वेश्चन सीबीएसई जो है एनसीईआरटी से बाहर आते हैं, तो हम लोग 90% के लिए पहले तैयारी कर रहे हैं। ये जो 10% क्वेश्चन है जो बिल्कुल आउट ऑफ बुक्स जाते हैं, उनके लिए क्लेम्स होते हैं और उनके बोनस मार्क्स सभी को मिलता है। तो वीवी पैरिटी तो नहीं शो करता, ओ वीवी पैरिटी शो करता है। वीवी पैरिटी कहना यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। तो ओ वीवी पैरिटी इट मींस कि जो फीमेल्स हैं वो एक्स को अपने यूटरस में ही रखती हैं, ले नहीं करती, और वहीं पे यूटरस में ही एग जो है लार्वल फॉर्म में आ जाता है, और वो डायरेक्टली लार्वा फॉर्म को इंटेस्टाइन में डालती हैं,
जहां पे वो अपना इन्फेक्शन स्टार्ट करता है। तो ये ओवीविपैरिटी शो करता है, नॉट अ वीविपैरिटी। और इसका जो एग्जाम्पल है, वेदर वैसे तो सारे जितने भी एग्जाम आपको यहाँ पे फोर ऑप्शन दिख रहे हैं, दे आर ऑल आर निमेटोड्स, और इसमें केवल ट्राइकिनेला स्पाइरिलिस है जो ओवीविपैरिटी शो करता है। अदर ऑप्शन शो ओवीविपैरिटी, मानी कि एग टू लार्वा, केवल ट्राइकिनेला स्पाइरिलिस ही ओवीविपैरिटी शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्टिस के लिए, माउथ वेंट्रल सही है, गिल्स विदाउट अपरकुलम सही है, स्किन विथ प्लेक्वायर्ड स्केल ये भी कॉन्ट्रैक्टिस के लिए सही है, और चौथा जो दिया हुआ है करेक्टर परसिस्टेंट नोटोकार्ड। देखिए परसिस्टेंट नोटोकार्ड ये एनसीईआरटी में कॉन्ट्रैक्टिस के केस में लिखा हुआ है जो कि गलत है, रॉन्ग है। मैंने क्लास में बताते वक्त जब मैंने लेक्चर लिया उसमें भी बताया कि आप इसको गलत कार्ड दीजिए, परसिस्टेंट नोटोकार्ड यहाँ पर नहीं मिलता। अगर परसिस्टेंट नोटोकार्ड होता तो ये वर्टिब्रेटा में नहीं होते, तो वर्टिब्रेटा के अंदर आते हैं कॉन्ट्रैक्टिस, और वर्टिब्रेटा में जो नोटोकार्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। तो दिस वन इज द केस ऑफ सिफेलोकार्डेट्स कि जहां पे परसिस्टेंट नोटोकार्ड पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टिस में परसिस्टेंट नोटोकार्ड नहीं पाया जाता, तो ये ऑप्शन इनके हिसाब से सही होगा, देखते हैं आगे भी, लेकिन परसिस्टेंट नोटोकार्ड कहना गलत है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो सही है ऑप्शन नंबर वन, लेकिन ऑप्शन नंबर वन मैंने इसीलिए इसको पूरा मार्क नहीं किया, अदर ऑप्शंस को भी आप देख लीजिए, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जा एब्सेंट, साइक्लोस्टोमा में सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होगा, जा एब्सेंट होंगे, इंटेगुमेंट विदाउट स्केल्स होंगे सही है, बट पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते, पेयर्ड अपेंडिजेस केवल पाइसेस में मिलता है, साइक्लोस्टोम्स का अलग क्लास है, उसमें पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते, अनपेयर्ड अपेंडिजेस होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉडी कवर्ड विद फेदर, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, फोर लिम्ब्स फॉर्म विंग्स, लंग्स विथ एयर सैक, लंग विथ एयर सैक सही है, फोर लिम्ब्स फॉर विंग्स सही है, स्किन मॉइस्ट, मॉइस्ट स्किन एप्स में क्या होगा कोई जरूरी नहीं है, मतलब मॉइस्ट स्किन नहीं मिलती है, मॉइस्ट स्किन केवल आपको एम्फीबिया में मिलता है, तो ये एक इसका करेक्टर यहाँ पे गलत हो गया है। नेक्स्ट है मेमिलिया में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा, हेयर ऑन बॉडी होगा, पिन्ना होगा, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है कि मेमरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, लेकिन हेयर ऑन बॉडी भी सारे मैमल्स में नहीं होते, एक्वेटिक मैमल्स डू नॉट हैव हेयर ऑन बॉडी, एक्वेटिक मैमल्स डू नॉट हैव पिना, तो ये मैमेलिया के लिए भी ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये ऑप्शन सही होना चाहिए था, लेकिन एनसीईआरटी में ये ब्लंडर दिया हुआ है परसिस्टेंट नोटोकार्ड, परसिस्टेंट नोटोकार्ड इज करेक्टर ऑफ सिफेलोकार्डेट, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, और इस क्वेश्चन का मार्क्स उस एग्जाम में सारे पार्टिसिपेंट्स को दिए गए, तो दिस इज अ ब्लंडर ऑफ एनसीईआरटी 2014। Which one of the following living organism completely lack a cell wall? तो cell wall तो वैसे भी animals में नहीं होते, तो इसमें हमको बस ये देख लेना है कि which one of the option is a example of animal, तो like sea fan, gorgonia, तो it is a best suitable answer. Planaria possesses high capacity of regeneration. बहुत ही important question है, regeneration high capacity होती है planaria के पास, लिखा हुआ है बुक में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अ मैराइन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट टॉर्पीडो, लिखा हुआ है। तो यहाँ 2014 में देखिए ये सारे तीन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिए गए हैं। 2013 में फोर क्वेश्चंस थे फ्रॉम एनिमल किंगडम। पहला क्वेश्चन, मैच द नेम ऑफ द एनिमल कॉलम वन विथ वन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉलम टू एंड द फाइलम क्लास कॉलम थ्री to which it belongs. तो यहाँ पे देखिए, match the name
मतलब इसमें से कोई एक ऑप्शन है जो करेक्टली सही है, तो पेट्रोमाइजॉन, पेट्रोमाइजॉन ठीक है, एक्टोपैरासाइट है, साइक्लोस्टोमेमेटा में है, तो ये ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। अदर ऑप्शन भी आप देख लीजिए, देखिए एक तो फिश टेरेस्ट्रियल नहीं होते हैं, रेप्टिलिया में नहीं आते हैं, लिम्यूल्स बॉडी कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाइसिस में नहीं है, एडेम्सिया रेडियल सिमेट्री पोरीफेरा, पोरीफेरा में तो रेडियल सिमेट्री होती नहीं है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही सही है, पेट्रोमाइजॉन एक्टोपैरासाइट एंड साइक्लोस्टोमेटा। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, निम्न में से कौन से एनिमल्स सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं, तो यहां पर प्राउन स्कॉर्पियन और लोकस्टा ये तीनों जो है आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहे हैं, अदरवाइज मलेरियल पैरासाइट तो आपका प्रोटोजोन्स है, अमीबा मॉस्किटो आपका आर्थ्रोपोडा है, अर्थवर्म पिनवर्म टेपवर्म, टेपवर्म तो प्लेटी है, अर्थवर्म एनिलिडा में है, स्पंज सी एनीमोन स्पंज पोरिफेरा में है, स्टारफिश इकाइनो में है, तो यही थर्ड ऑप्शन यही बेस्ट ऑप्शन है। तीसरा क्वेश्चन 2013 में, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थोपोडा इज, आर्थोपोडा का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिल्वर फिश बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सिल्वर फिश, तो ये सटेबल एंड सुटेबल आंसर है। चौथा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर टैक्सोनॉमिक क्लास, तो यहाँ पे नीचे दिए हुए कुछ ऑप्शंस हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में जो सही है, तो देखिए यहाँ पे पाइसेस दिया हुआ है, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। फ्लाइंग फिश तो पाइसेस में है, बट कटल फिश पाइसेस में नहीं है, सिल्वर फिश भी पाइसेस में नहीं है। सेंटीपीड मिलीपीड स्पाइडर और स्कॉर्पियोन ये सारे इंसेक्टा में नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ एरेक्निडा में है और कुछ के अलग हैं। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सीसी फ्लाई, सिल्वर फिश ये सारे इंसेक्टा में है। यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओ सॉरी ये सेकंड ऑप्शन पे लग गया है, ये इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, ये इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, सेकंड पे आ गया है ये गलत है। स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर तो आपका मेमेलिया है, तो इकाइनोडर्मेटा में कहाँ होगा, तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट, दिस वन इज इनकरेक्ट, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द 2013 टू 17 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इस एनिमल किंगडम से, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा इनका कभी लेवल होगा। तो आपने देखा कि 2013 से लेके 17 तक जो 6 क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए उसमें 2 से लेके 4 क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी रही है, 2 3 4, 2 3 4, तो इस चैप्टर से मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं।